हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्लास थर्ड है, सब्जेक्ट मैथ्स है और चैप्टर सिक्स पढ़ेंगे आप अपने आज। और चैप्टर सिक्स है मल्टीप्लिकेशन, एक्सरसाइज पढ़ेंगे 6.1। क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट्स में अपने डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप लोगों को वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, समझना है, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट्स। एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सिंपल हैं, बस आपको क्या करना है समझना है। लिखा है 2 × 100। ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल मल्टीप्लाई है, इसी के आगे अपनों को मल्टीप्लाई करनी है सामने इसके। देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल हैं, किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इन क्वेश्चन में। क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें करते हैं जितने जीरो होते हैं वो लिख लेते हैं। जीरो कितने, 1, 2, 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जितने जीरो हैं 1, 2, 3 जितने जीरो हैं वो लिख लिए। अब यहाँ पे जो डिजिट बड़ी है, ये 2 है, ये 1 है। अब इस 2 की मल्टीप्लाई बन सकें, 2 बन जा 2, सिंपल सिंपल, क्लियर। इस टाइप से इसकी मल्टीप्लाई अपनों को करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू और भी क्वेश्चन लेते हैं, और भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर बी लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बी देखें, 1, 7 × 2, 0, 0, 0 = 2। इसको देखें, इसको भी समझेंगे, कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ नहीं करना है, जितने जीरो हैं वो जीरो लिख लें। जीरो कितने हैं, 1, 2, 3, तो 3 जीरो लिखें, 1, 2, 3, 1, 2, 3 जीरो लिख लिए। अब 2 की मल्टीप्लाई 17 से करेंगे तो अपनों को थोड़ा टफ पड़ेगा। अपने 17 का टेबल पढ़े होंगे, ज़रूर याद होगा, क्योंकि 20 तक टेबल आपको आते हैं, तो 17 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ें। 17 × 2 जा कितना हो जाएगा, 34। क्लियर, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चन समझते हैं, और क्वेश्चन के थ्रू करते हैं, और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन नंबर सी देखें, लिखा है 9 × y 800 = 2। सिंपल, ये भी देखें, समझेंगे और करेंगे। इसमें क्या करना है अपनों को, इसमें पहले जितने जीरो हैं वो ज़ीरो नोट कर लें। इसमें कितने जीरो हैं, 1 और 2, तो 2 जीरो हैं तो 2 जीरो नोट कर लिए, 1 और 2। अब चाहे 8 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ो या 9 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ो, तो एक ही बात है। तो अगर हम 8 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 8 × 9 = 72। अगर हम 9 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे तब भी 9 × 8 = 72। तो सिंपल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर डी लेते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाने चाहिए। यह है 27 × 3000 = 2। देखें, ये भी सिंपल है, जितने जीरो हैं उतने जीरो पहले लगा लें, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 जीरो लिख लिए, 1, 2, 3। आप देख रहे हैं 27 और 3 है, तो आप अपनों को 27 का टेबल 3 टाइम्स नहीं पढ़ पाएंगे, आपको लर्न नहीं होगा। 3 का टेबल पढ़ सकते हैं, तो अपने क्या करेंगे, जो ये 3 है इसका टेबल पहले 7 में पढ़ें, तो 3 की मल्टीप्लाई 7 से करें। ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इसको ऐसे लिख देंगे और ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक ही बात है, इसको समझ सकते हैं। जीरो तो जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएंगे, तो जीरो जितने होते हैं वो पहले नोट कर लेते हैं। अब अपनों को 3 की मल्टीप्लाई 27 करना है, इस 3 की मल्टीप्लाई 27 करना है, तो कैसे करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 7 करो तो 3 × 7 कितना होता है, 21 का क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, सकट करेंगे 2 बचेगा, 3 × 2 जा कितना हो जाएगा, 6, 6 × 2 कितना हो जाएगा, 8, 81। तो यहाँ पर अपने लिख लेंगे 81, सिंपल, ये 8 है, थोड़ा साफ, ये 8, 81। क्लियर, इसको रेज कर दे रहे हैं, इस पर भी और क्वेश्चन अपन को करने हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। डी हो गए, क्वेश्चन नंबर ई पर चलते हैं, ई को समझते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर ई देखें, ई क्या है, क्वेश्चन नंबर ई देखें, ई लिखा है 25 × 4000 = 2। करें सिंपल, देखें कितने जीरो हैं, 1, 2, 3, तो पहले 3 जीरो कर लें, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 जीरो नोट कर लिए,
1230। अब देखें 4 की मल्टीप्लाई 25 करना है, फिर अगर आपको नहीं आती है तो 25 को ऊपर रखें और 4 को नीचे रखें और ऐसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 4 का टेबल 5 टाइम्स बढ़ें, 4 5 जा कितना होता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, 20। तो ये 0 आ गया, इसको कट कर दिया, 2 कैरी बचा, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, सिंपल। तो अब जितना आएगा हम उतना लिख देंगे, सिंपल। समझ में आ गया, ये समझ में आया हमने 100 कैसे लिखा, जो मल्टीप्लाई करके लिखा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को तो समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, अभी क्लियर होना चाहिए सब, और भी क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाएंगे अगर आप ध्यान से वीडियो को समझते हैं, देखते हैं, तो कभी भी इस टाइप की मल्टीप्लाई करने में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं एफ, क्वेश्चन नंबर एफ लेते हैं, एफ के थ्रू समझते हैं। एफ देखें दे रखा है 12 मल्टीप्लाई 8 0 0 और 0 इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, कितने जीरो हैं, 1 2 3, तो 3 0, 1 2 3 0। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बस क्या करते हैं, जितने जीरो होते हैं तो जीरो लगा लेते हैं, 1 2 3, तो 3 0 लगा ली, 1 2 3। अब हम समझ रहे हैं 8 का टेबल 12 टाइम्स, तो अगर आपने तो 8 का टेबल जो पढ़ा होगा वो 10 टाइम्स तक पढ़ा होगा, अभी आप सोच रहे होंगे कि 8 का टेबल 12 टाइम्स तक नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, टेबल आगे भी होते हैं। तो आपने क्या करें, इसको नहीं करते हैं, तो 12 का टेबल अगर आपको आता होगा तो 12 का टेबल आप 8 टाइम्स पढ़ सकते हैं, तो 12 8 जा कितना हो जाएगा, 96, सिंपल। चाहे 8 का टेबल 12 टाइम्स पढ़ते हैं या 12 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ते हैं, अगर आप देखो इस तरह से भी करेंगे तब भी वही आएगा, ऐसे तो कर सकते हैं जैसे अभी अपनों ने ऊपर क्वेश्चन किए हैं। तो अब 8 2 जा कितना हो जाएगा, 16, 8 2 जा 16, 16 के हमने ये 6 लिख लिए, 1 कैरी बचा, 8 बन जाए 8, 8 और 1 9, तब भी देखो 96 आया, क्लियर, कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को भी समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं और भी अभी करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर जी लेते हैं, जी में लिखा है 11 मल्टीप्लाई बाय 6 0 0 0 इक्वल टू, इसको समझेंगे और करेंगे। देखो इसको क्या करना है, वही करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जितने जीरो होते हैं वो जीरो लिख लेते हैं, तो जीरो कितने, 1 2 3, तो हमने पहले 3 0 लिख लिए, 1 2 3 0 लिख लिया। अब देखो 11 का तो टेबल बहुत सिंपल होता है, 11 6 जा 66, या ऐसे पढ़ लिख देंगे 6 का टेबल 1 टाइम्स पढ़े, पहले लास्ट डिजिट को लास्ट डिजिट पढ़े, 6 बन जा 6, कोई कैरी नहीं, और फिर 6 बन जा 6, सिंपल, ये भी हो गया होगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर जी के बाद एच करते हैं, एच में देख 45 मल्टीप्लाई 3 1 2 3 0, सिंपल, इसे कर देंगे। अब देखें यहाँ पे आप देख रखें कितने जीरो, 1 2 3, तो पहले 3 0 हैं तो 3 0 नोट कर लें, 1 2 3। अब 3 की मल्टीप्लाई 45 में करेंगे तो सिंपल, अपने 3 की मल्टीप्लाई 45 में करेंगे तो ऐसे रख के कर सकते हैं, सिंपल। 3 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ें, 3 5 जा 15, 15 के 5 कट कर दें, 1 बचा, 3 4 जा 12, 12 और 1 13, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 3 5, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। समझ में आ गया होगा, आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा, और भी क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं और करते हैं अभी। अभी और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, देखें वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और भाई बहनों के साथ शेयर करना है, वीडियो फुल देखना है, कंप्लीट वीडियो देखना है, अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आप लोग बहुत कुछ सीखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आई क्वेश्चन पर चलते हैं, आई क्वेश्चन नंबर आई समझते हैं, आई दे रखा है 15 मल्टीप्लाई बाय सिंपल 30, 1000 से मल्टीप्लाई करनी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं, ये तो बता ही रहे हैं हम, सिंपल इसलिए हैं कि क्या करना है, पहले तो इन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल जितने हैं जीरो ले लिख लें, 1 2 3, तो हम 30 हैं तो 30 लिख लें। अब अपनों को 15 का टेबल आता है, 15 बन जा 15, तो सिंपल 15 बन जा 15 हो जाएगा, नो डाउट, नो हेजिटेशन। और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, क्वेश्चन नंबर जे करते हैं और जे के थ्रू समझते हैं, देखें जे दे रखा है 18 मल्टीप्लाई 4 0 0 इक्वल टू, सिंपल, ये भी देखें इसमें क्या करना है, सिंपल, जितने जीरो हैं पहले जीरो लिख लें, 1 2 3, तो हमने 1
टू थ्री जीरो लिख लिए, 1 2 3 0 लिख लिए। अब 18 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ना है, तो 18 का टेबल आता होगा आप लोगों को, 20 तक आपको टेबल याद होंगे, और नहीं आता है तो 18 को ऊपर रखेंगे और 4 को नीचे रखेंगे, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो 18 का टेबल आपको ज़रूर आता होगा। तो कैसे करेंगे, 18 1 = 18, 18 2 = 36, 18 3 = 54, और 18 4 = 72, सिंपल। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 72, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और भी क्वेश्चन के थ्रू समझें, और ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर के, ले लेते हैं के भी समझते हैं। चलो लो, सिंपल है, 9 × 7 = 00 और फिर 0 और इक्वल टू का साइन, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, इसमें 0 देंगे कितने, 1 2 3, तो 3 0 है तो हम 3 लिख देंगे, 1 2 3 1 2 3 0 आ गए। अब 7 की मल्टीप्लाई चाहे 9 से कर देंगे, 9 की मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे की बात है, तो 7 9 जो कितना हो जाएगा 63, या 9 की मल्टीप्लाई 7 से करते हैं तो 9 7 = 63, एक ही बात है। क्लियर हो रहे हैं सारे क्वेश्चन, क्लियर हो रहे होंगे, एक क्वेश्चन लास्ट बचा है। एल क्वेश्चन नंबर एल लास्ट बचा है, देखें लिखा है 9 × 6 00 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करनी है तो पहले इसमें क्या करेंगे, जितने जीरो हैं जीरो नोट कर लेंगे, 1 2 3, तो 3 0 थे तो 1 2 3 0 नोट कर लिए। अब 3 0 के बाद 6 की मल्टीप्लाई 9 से कर दो, 6 9 = 54। आई होप ये इतना क्लियर हो गया होगा, सारे क्वेश्चन इतने क्लियर हो गए होंगे, बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे, क्लियर। अभी और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन समझते हैं अपने। अब क्वेश्चन नंबर अपने करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे और क्वेश्चन समझेंगे, करना है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स को समझेंगे। अगर आप लोग सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो इस टाइप के आज के बाद कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। देखें फिल इन द ब्लैंक्स में समझेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो अभी अपनों ने किए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके यहाँ पर लिख रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द जो नीचे दिए गए हैं इनका अपनों को फ्लोइंग, जो नीचे दिए गए हैं इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, फ्लोइंग्स ठीक। इनका प्रोडक्ट्स में क्या है, देखो इसमें ये दे रखे हैं, इस 2 में भी सेम ऐसे करना है, एक क्वेश्चन नंबर है तो इसमें लिखा है 8 × 2 00 00 और इक्वल टू में दिया है स्ट्राइक डॉट 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 ये करके दिया है, इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं तो सिंपल ये अपने कर पाएंगे, ऐसी बात नहीं कर पाएंगे जैसे अभी किए थे वैसे ही करने हैं सारे क्वेश्चन। सिंपल क्या करेंगे, 1 2 3 पहले 3 0 लिख लेंगे, 1 2 3 0 लिख लिए, 1 2 3। अब 8 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ दो या 2 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ दो, तो 2 का टेबल अगर 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो 8 2 2 8 जो कितना हो जाएगा 16, सिंपल समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी लेते हैं, और भी क्वेश्चन थ्रू समझते हैं, सारे क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। बी क्वेश्चन नंबर बी है 17 × 3 00 00 इक्वल टू, क्या होना चाहिए इसमें, इसमें क्या होगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसमें क्या होगा, देखो इसमें ये होगा वही बात, इसमें भी 0 लिखें, 1 2 3, तो हमने 3 0 लिख लिया, 1 2 3, ये भी इस तरह से फिलअप्स था तो 1 2 3 0 लिख लिया। अब 3 का टेबल 17 में नहीं आता आपको टेबल, कोई नहीं, अब अपने 17 का टेबल 3 टाइम तो पढ़ सकते हैं क्योंकि अपनों को प्रोडक्ट अपनों पढ़ रखा है, चाहे 3 की मल्टीप्लाई 17 से करो या 17 × 3 करो सेम आना है, तो 73 से कितना हो जाएगा 51, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी समझते हैं, क्वेश्चन नंबर सी है 11 × 3 00 00 इक्वल टू, देखें इसमें क्या करना है, 0 है कितने हैं 1 2 3, तो पहले 3 0 लिख लें, ये डॉट 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 करके 3 0 1 2 3। अब 3 की मल्टीप्लाई 11 से करोगे, आप समझ रहे होंगे 10 तक टेबल पढ़ा है, लेकिन 11 की मल्टीप्लाई 3 से कर सकते हैं, पहले 0 लगा लें, 1 2 3, जितने 0 हैं 0 लिख लें, उसके बाद चाहें जो डिजिट आपको जिससे आप मल्टीप्लाई जीरो कर सकते हैं कर सकते हैं, 11 3 से कितना हो जाएगा 33, क्लियर। और भी क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी के थ्रू समझते हैं। डी में देखें क्वेश्चन नंबर डी क्या है, क्वेश्चन नंबर डी है 14 डिजिट लिखी है, 14
मल्टीप्लाई बाय 400 इक्वल टू, देखें इसमें क्या करना है, ये बहुत सिंपल है, 12 इसमें 20 हैं, कितने जीरो हैं, 20, तो हमने यहाँ पे 20 लगा लिए, ठीक। ये भी इस तरह से फिलअप से डॉट 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 करके, तो अब 20 के बाद हमें 14 की मल्टीप्लाई 4 से करनी है, तो 14 बन जाए 14 जो 28, 43 42 और 14 जा 56, क्लियर। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ पा रहे होंगे, क्लियर हो गया होगा। और भी क्वेश्चन के थ्रू समझें, सिंपल और भी क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन नंबर ई है, ये देखें लिखा है 3 × 300, सिंपल, ये डॉट 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 लगा है। अब आप पहले इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, उसके बाद मैं करूँगा, करें आप लोग, करें पहले सॉल्व करें, करें बहुत सिंपल है, कर सकते हैं आप लोग, बहुत इजीली कर सकते हैं, बहुत इजीली करें, कर सकते हैं, करें सिंपल। आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा और बहुत बढ़िया मैंने कर भी लिया होगा। तो पहले इसमें क्या करेंगे, कितने जीरो, 1 और 2, तो जितने जीरो 1 और 2, जितने जीरो तो 1 2 लिख रही है। अब 3 की मल्टीप्लाई 3 से करो, 3 × 3 = 9, तो 9 हो गया, सिंपल, क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर एफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर एफ समझते हैं और क्वेश्चन नंबर एफ करते हैं। एफ देखें क्या है, 15 × 500 इक्वल टू कितना आएगा, देखें इसमें भी ये डॉट 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 करके लिखा है, अब देखें कितना है, इसे भी करें आप, पहले आप कोशिश करें फिर मैं करता हूँ, करें कोशिश, आप आपने कोशिश की होगी और कर लिया होगा, अगर आप चाहें तो बहुत ही चीज़ है। देखें इसमें क्या करना है, 1 और 2, तो हमने 20 लगा लिए। अब आप देख रखें 15 × 5 से आप कर सकते हैं और नहीं कर सकते तो ऐसे समझ लें, 15 ऊपर लिखें, 5 नीचे लिखें, देखें 5 जो कितना हो जाएगा, 25 का हम यहाँ 5 लिख देंगे, कट कर देंगे, 2 रिमाइंडर, 5 बन जाए 5, 5 और 2 7, 75, सिंपल, तो यहाँ पर लिख देंगे 75, क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, 75। आई होप बिल्कुल समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। और भी क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं, कोई नहीं, और भी क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर लेंगे जी, क्वेश्चन नंबर जी है, क्वेश्चन नंबर जी करें, देखें जी दे रखा है 16 × 900 फिर 0 इक्वल टू, इसे करें, इसमें भी ऐसी डॉट डॉट इस तरह से लगा है और इसको फिल करना है। तो पहले तो इसको एक ही टाइप है, इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको घबराना नहीं है, पहले जीरो लगा, जितने जीरो हों जीरो लिख लेना है, 1 2 3, तो हमने जितने जीरो थे उतने जीरो लिख लिए, 1 2 3 जीरो लिख लिए। अब 16 × 9 से करनी है, या 9 × 16 करनी है, तो पहले तो आपको टेबल आता होगा 16 का, क्यों 16 का टेबल आता है, तो 16 9 जा पढ़ सकते हैं, 16 का टेबल आ जाएगा, और अगर नहीं आता है तो 16 को ऊपर रख लीजिए और 9 को नीचे रख लीजिए, इससे क्या होगा, अपनी जो मल्टीप्लाई है वो सिंपल हो जाएगी, जी हो जाएगी, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 आते रहेंगे। अब हम 9 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे, तो 9 6 जा कितना होता है, 54, तो 54 का हम कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे, कट कर देंगे, 5 बचा, 9 बन जाए 9, 9 और 5 कितना होता है 14, तो 144, तो 9 16 9 जा कितना हो जाएगा, 144, 16 9 जा कितना हुआ, 144, क्लियर, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, और भी क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं और करते हैं। देखें अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और अगर आप मन से पढ़ते हैं समझते हैं तो मैं नहीं समझता कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप ना कर पाएँ और ना समझ पाएँ इस टाइप के। 13 × 600 000, सिंपल, इसमें भी ऐसे करना है, यहाँ पे लिखा है इसे ही फिल करना है। तो पहले इसमें क्या करेंगे, जितने जीरो हैं जीरो नोट लिख देंगे, 1 2 3 जो लिख दिए। अब 13 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ना है, अगर आपको टेबल आता है तो आप लिख सकते हैं, नहीं आता तो 13 को ऊपर रखिए और 6 को नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 = 18, 6 3 = 6 बन जाए 6, 6 2 = 12 और 6 3 = 18, 18 क्या लिखेंगे, 8 कट कर दिया, 1 बचा, 6 बन जाए 6, 6 और 1 = 7, तो 78, क्लियर। आई होप ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। देखिए किसी भी भैया बहन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सारा समझ में आ जाना चाहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और भैया बहनों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है, फुल वीडियो देखनी है, वीडियो में कुछ भी स्किप नहीं करना है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।